नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र, आप सभी का स्वागत है हमारा टूल्सविला यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास दो मॉडल का वेल्डिंग मशीन है। तो ये वाला जो आप मॉडल देख रहे हैं IGBT है, और ये जो मॉडल देख रहे हैं ये MOSFET है। तो इस दोनों मशीन का हम इस वीडियो में आपको डिफरेंस के बारे में बताएंगे। इस दोनों मशीन में डिफरेंस क्या है, आपको कौन सी मशीन लेना चाहिए, तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। जैसे कि आपको हमने बताया था कि IGBT और MOSFET वेल्डिंग मशीन का डिफरेंस के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं पहले हम IGBT वेल्डिंग मशीन के बारे में। तो ये जो वेल्डिंग मशीन जो है IGBT, ये पूरा ही एक सर्किट बोर्ड के ऊपर बना हुआ रहता है, जो कि इसके अंदर जो सर्किट बोर्ड लगा हुआ है बहुत ही छोटा है और बहुत पावरफुल होता है, और इस मशीन से आपका बिजली का भी खपत कम होता है। चलिए अभी जानते हैं MOSFET के बारे में। ये MOSFET वेल्डिंग मशीन है। MOSFET वेल्डिंग मशीन भी एक सर्किट बोर्ड के ऊपर बना हुआ रहता है, और इसका जो सर्किट बोर्ड होता है एक नॉर्मल बोर्ड होता है। और आपको बता दें, ये मशीन MOSFET जो है, जो कि आपको हमने बताया IGBT में पावर का खपत कम होता है और MOSFET में उससे 3 गुना ज़्यादा खपत होता है। इसलिए इसमें ज़्यादा खपत होता है क्योंकि इसके अंदर जो हीट सिंक होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, और ये मशीन भारी भी होता है, जो कि IGBT एकदम लाइट वेट होता है। जैसे कि आपको हम अभी उठा के दोनों मशीन को दिखाएंगे, तो आपको वीडियो में देख के समझ में आएगा कि कौन सी मशीन हल्का है, कौन सी मशीन भारी है। ये देख सकते हैं, ये IGBT है और ये MOSFET है। चलिए जानते हैं इस चारों मशीन का एम्पियर का बारे में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं IGBT 200 एम्पियर का वेल्डिंग मशीन है। ये जो आप देख रहे हैं IGBT 250 एम्पियर का है। ये जो आप देख रहे हैं MOSFET 250 एम्पियर है, और ये जो देख रहे हैं IGBT 300 एम्पियर है। तब हम बताएंगे कि इस चारों मशीन में आप कितना मोटा रड जला सकते हैं। जानते हैं 200 एम्पियर में, इसमें आप 2.5 3.15 का रड इसमें आप आसानी से कंटिन्यू जला सकते हैं। यानी कि बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि वो गेज में सवाल करते हैं कि इसमें कितना गेज का रड जलेगा। तब को हम बता दें कि इसमें 12 गेज और 10 गेज का रड आराम से जला सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं IGBT 250 एम्पियर, MOSFET 250 एम्पियर, दोनों में ही आप 2.5, 3.15 और 4 एम्पियर तीनों ही रड इसमें आसानी से जला सकते हैं। यानी कि 12 गेज, 10 गेज और 8 गेज इसमें आप कंटिन्यू वेल्डिंग रड को जला सकते हैं। अब जानेंगे 300 एम्पियर IGBT वेल्डिंग मशीन के बारे में। इसमें भी आप 2.5, 3.15, 4 mm का रड आप कंटिन्यू जला सकते हैं। और इस मशीन से जो 5 mm का रड होता है, इससे आप ट्रेकिंग कर सकते हैं। यानी कि आप 5 mm का रड कंटिन्यू नहीं चला सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको हमने बताया था MOSFET टेक्नोलॉजी 250 एम्पियर के बारे में, तो ये आपको 200 एम्पियर में भी मिल जाएगा, और 300 एम्पियर में भी मिल जाएगा, और 400 एम्पियर में भी मिल जाएगा। चलिए अभी हम MOSFET टेक्नोलॉजी का प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको 6000 से लेकर और 17000 तक मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे IGBT टेक्नोलॉजी का प्राइस के बारे में। इसका प्राइस के बारे में आपको बताएंगे, ये आपका मशीन 3600 से लेकर आपको 10000 तक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमने इस पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन का वर्किंग वीडियो पहले भी बनाया है। अगर आप वर्किंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर में लिंक मिल जाएगा, जो कि वहां से आप क्लिक करके वर्किंग वीडियो देख सकते हैं। और ये पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन हम लोग इंडिया का किसी भी कोने में 5 से 7 दिन में डिलीवर कराते हैं। और ये मशीन यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मशीन के साथ। धन्यवाद।